ते दिल और सुनते कानों को सब रूम का सलाम। तो जी अहमद भाई की आज फ्लाइट है, सामान सामान पैक कर रहे हैं, आज इनको ड्रॉप करेंगे। तो अभी तो हमारे थोड़े दिन हैं, तो अभी भाई थोड़े सैड हैं दो तीन दिन से, तो आज इनको उतारेंगे। अभी शेखुपुरा से निकलेंगे घंटे डेढ़ तक, फिर इनको उतारेंगे और फिर अपनी भी टाइम आ जाना। जी अहमद भाई आपके जज्बात कैसे हैं आज? काफी पांच छह महीने रह के गए हैं आप माशाल्लाह शादी की। लंबा स्टे हो गया था मेरा, बट एक्साइटेड टू गो बैक टू द पवेलियन। ओके, तो अब आप ये अपनी रूटीन चाह रहे हैं जो डेली की है थी, तो अहलिया काफी परेशान होंगी आपकी? नहीं, शी इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। ओके, शी इज अंडरस्टैंडिंग लेडी बाय अंडरस्टैंडिंग लेडी, सो चल रही हां, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो फिर अभी हम थोड़ी देर तक निकलेंगे अहमद भाई, तो फिर आपको थोड़ा देखेंगे मोशन सीन क्या चलता है, क्योंकि देखें जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो जी अहमद भाई के जाने का बड़ा दुख है। अच्छा मैं कह रहा हल्की जी प्रैक्टिस कर लिए, ब्याह शाह भी अगले साल उम्मीद तो है इंशाल्लाह हो जाएगा, तो ठीक लग रहा जी कमेंट च दस्यो। हाय तुर गए यार मुहब्बत वाले। वासब वासब भाई ने परफ्यूम भी मिल गया कुछ। तो जी खान साहब गिरफ्तार होने वाले हैं, पता नहीं शायद हो जाए, तो हालात थोड़े से ख़राब हो गए लाहौर के, तो इसलिए हमें पहले निकलना पड़ा एयरपोर्ट के लिए। तो अहमद साहब भी साहब मौजूद हैं, इनको इंशाल्लाह एयरपोर्ट उतारेंगे और फिर इंशाल्लाह हम वापस टाउन जाएंगे। ये जाके अपनी नॉर्मल रूटीन वाली लाइफ शुरू करेंगे, काफ़ी वेट गेन कर लिया, तो थोड़ा एक्सरसाइज है वो, थोड़ा इनकी वालदा का इंटरव्यू करना था लेकिन वो बस थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हो गई थी, तो उनका इंटरव्यू कर नहीं सके। तो पेरेंट्स थोड़े इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि एक दो महीने के लिए आते हैं, लेकिन ये है कि इस बार अहमद भाई इधर पाँच छः महीनों के लिए आए थे, तो थोड़ी अटैचमेंट और ज़्यादा हो गई थी। और खैर इनकी मिसिस भी आखिर रो ही पड़ी, पहले कहती थी नहीं रोऊंगी, तो खैर इमोशंस अच्छे होते हैं समटाइम्स, आपको रोना अच्छा होता है और रोना भी चाहिए। तो अब पता नहीं अल्लाह करे यार मोटरवे खुली हो, थोड़े हालात ख़राब से हो गए हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपको एयरपोर्ट में मिलते हैं। तो जी अलविदा शेखुपुरा। अहमद साहब शेखुपुरा के लोगों के लिए कोई ख़ास पैगाम? यार जस्ट स्टे फोकस, स्टे हैप्पी, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाकी मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। बकाया यार मुल्क के हालात के बारे में भी सोचें, कोई मसलों की अनसर्टेनिटी ऑन इट्स पीक, कोई पता नहीं लग रहा क्या है। अभी मेरी 11 बजे फ्लाइट है, मुझे 5 बजे निकलना पड़ा है, पता नहीं क्या किस तरह जा रहा है, मतलब वेरी डिप्रेस जी। ये बड़ी बात अच्छी की अहमद भाई ने, क्या 11:45 पे फ्लाइट है और हम निकल रहे हैं 5:30 निकल गए हैं, मतलब कि अमूमन लोग 2-3 घंटे पहले, लेकिन हम 6 घंटे पहले निकल रहे हैं और 40-45 मिनट का रास्ता है शेखपुरा से। लेकिन यार ये मुल्क का मैं कहा भाई निकल, इतने कुछ भी हो सकता है, इतने कुछ भी हो सकता है। हाँ लाहौर एयरपोर्ट आ चुका है नाजरीन, थोड़े से दिल अफसरदा क्या कहते हैं उसको लम्हात हैं, तो हमने जाना है राइफल की तरफ, अभी गाड़ी पार करेंगे फिर अहमद भाई के ऊपर छोड़ के आएंगे। हो परदेसी आते हैं फिर चले जाते। ये दुनिया जी एक मेला है, जिसने आना उसने जाना है। तो अहमद की अम्मी को मैं कहूँगा परेशान ना हो, इंशाल्लाह चक्कर लगता रहेगा, और उनकी अहलिया को भी कहूँगा परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर वाफिस इनको पहुँचाए ऑस्ट्रेलिया में। तो बाकी मैं तो आ ही रहा, फिर उतें व्लॉगिंग शुरू करेंगे जाके, इस बदतमीज़ के चक्करों में मैंने व्लॉग नहीं बनाया 8-10 दिन, थोड़ा सैड था इसकी वजह से। तो मेलबर्न वालों टेंशन नहीं लेनी, बिला साहब आ गए ना तो मैं भी आ रहा हूँ, इंशाल्लाह जल्दी मिल रहे हैं। थोड़े दिनों बाद मैंने भी इधर से आना, मुझे लगता है मैं एयरपोर्ट तक छोड़ने आया कि, तो मैं काफ़ी इमोशनल सीन रोना छोना होना है, तो शायद मैं व्लॉग बना ना सकूँ क्योंकि मैं मेरी अखा लाल होनी है। तो हाय हाय मेरा बिल्ला, ओए बिल्लिया जी मंजिल से और करीब आते हुए अहमद गुजरी साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा,
काफ़ी 5-6 महीने याशी मार के गए हैं, चिल सीन करके गए हैं, अब इनकी वापसी का टाइम आ चुके हैं। कुछ दिनों बाद हमने इधर से जाना है, अल्लाह खैर कर से। आंटी जी परेशान नहीं होना, इन्हू ला के इमीग्रेशन तो लंघ जाएगा, फिर इंशाल्लाह से जावांगे वापस। ओए होए होए, बड़ी लाइटिंग आ रही है। अच्छा खैर, मैंने भी आपको एक बिग न्यूज़ देनी है, कुछ दिनों में दूंगा। तो अभी अहमद भाई गामजन है। बिले यार मैं अगो पैक कर ली यार, पहुंच भी गए हैं। ओहो जी मिल्ला साहब, ख्याल रखो अपना। सॉरी बिल्कुल नहीं रोना आ रहा मैंने। चलो अल्लाह की सपोर्ट। तो ये अहमद भाई को उतार दिया। हाँ भाई, आई एम सो वीक इमोशनली। खैर ये जब मेलबर्न से एडिलेड गया था मैं, तब भी रोने लग गया था अंदर जाके। खैर मैं अंदर जाके रोने लग गया, मैंने कहा इसने गालियाँ देनी है। ये थोड़ा ज़रा मजबूत दिल है, घर से मैं निकलते वक्त नहीं रोया, अभी तक नहीं रोया। हालांकि मेरे आंसू निकल आए थे घर में भी, जब इसकी अम्मा को रोते देखा। अभी भी जब ये जाने लगा तो आ ही गए थोड़ा आंसू शांसू। खैर भाई मजबूत दिल है। खैर इमोशनल होना भी अच्छा है, मजबूत दिल होना अपनी जगह अच्छा है। खैर चलिए जी, इजाज़त दीजिए, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। व्लॉग्स में काफ़ी ब्रेक्स आ गए हैं, एक्चुअली बहुत बिजी हूँ पाकिस्तान में तो टाइम नहीं लग रहा। तो इंशाल्लाह अहमद भाई कल 3:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक पहुँच जाएंगे, और फिर हम कुछ दिनों बाद हम भी उड़ जाएँगे पंछी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर।